पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। चलिए जानते हैं कि जनता के इस बजट को लेकर क्या ख्याल है। निर्मला सीतारमन, ओ जो प्याज नहीं खाती। एक क्रैक, दो फाइनेंस मिनिस्टर, तीन बाय लक। अच्छा कल 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 बजट देखा था? हाँ जी देखा था। कोई एक क्षेत्र जो लगा कि सरकार का झुकाव इस क्षेत्र की तरफ बहुत ज्यादा है? थोड़ा बहुत आप दिखा रहे हैं फार्मर्स की तरफ क्योंकि वो प्रोटेस्ट पे हैं। आप दिखा रहे हो तो थैंक यू सो मच। एक मिनट दोस्त, आपका नाम? माधवन। बजट देखा था कल? देखा तो था। कैसा लगा बजट, क्या क्या लगा बजट का, एक क्रिस्प बताओ कि ये लगा बजट से। बजट लगा कि सरकार वही सारी चीज़ों को कर रही है जिससे सरकार का फायदा हो, पब्लिक का कोई फायदा नहीं हो, वैसा ही बजट है। विच गवर्नमेंट इज रूलिंग द कंट्री? इंडिया। इंडिया नहीं नहीं, इंडिया तो देश का नाम है। सॉरी मुझे नहीं पता। तो मतलब लोग कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन की ओर झुकाव था, सच है? हाँ, मेरे कहने का मतलब यही है कि सरकार अपनी चीज़ों को चलाने के लिए जो चीज़ करना चाहिए वो सारी चीज़ें अच्छे से कर रही है, उसके लिए सारी योजनाएँ लाई है। एब्सोल्युटली, सरकार का काम तोड़ मतलब धंधा करना थोड़ी होता है। सरकार का काम बिजनेस करना नहीं होता। अब दुनिया में कोई भी जगह पे जाओ, डेमोक्रेसी एग्जिस्ट वेयर प्राइवेटाइजेशन इज प्रॉपरली इन फुल फ्लो एंड कैपिटलिज्म इज देयर इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। अगर यही चीज़ नहीं है तो आप सोशलिस्ट बन गए ना। सोशलिस्ट सरकार होके क्या करोगे, पहले से इतना सोशलिज्म चल रहा है। तो इफ नॉट निर्मला सीतारमन देन हु? इफ नॉट सीतारमन देन अमित शाह। अमित शाह एज द फाइनेंस मिनिस्टर। एक एक तर्क कि सरकार का झुकाव इस सेक्टर की तरफ बहुत ज्यादा था इस बजट में, वो कौन सा है? किसानों की तरफ। किसानों की तरफ था तो फेवर में सिस टैक्स। हाँ, तो ठीक था वो, कह सकते हो। पर किसान तो अभी भी बॉर्डर्स पे, वो तो नहीं उठेंगे। क्यों? जब तक ये पूरा खत्म नहीं हो जाएगा, उनको तो बिल पूरा बंद करवाना। निर्मला सीतारमन पता है? अरे बेइज्जती का है, अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया। आना मेरे भाई, फार्मर्स को तो फायदा दे ही रहे हैं ना, देखो इतने 8-10 मीटिंगें हो गई इनकी, लेकिन मान नहीं रहे हैं कुछ लोग। अब क्या करें, कितनी मांगे हैं यार फार्मर्स को, क्या चाहिए? एक जरूरी चाहिए ना, जितना जमीन से जुड़ा हुआ तो। लेकिन उनको दे रहे हैं लेकिन वो मान नहीं रहे। उनके जो नेता हैं उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं और अराजकता कर रहे हैं। एनआरकी बहुत ज़्यादा फैला दी इन लोगों ने, ठीक है, वो नहीं होनी चाहिए। बड़े प्यार से होना चाहिए, टाइम लगता है चीज़ के अंदर, मिलेगा। मोदी जी को सबका ध्यान है, सबका साथ सबका विकास है। तो हम आपका ये तनाव समझ रहे हैं। बजट कुड हैव बीन बेटर इफ बजट इज बेस्ट। बजट इज गुड। बेस्ट गुड नहीं है, गुड के बाद आता है बेटर, बेटर के बाद बेस्ट। जो सरकार है उनका एम्फेसिस है कि 2023 तक हर इंसान के जो छत है, मतलब हर इंसान को घर मिलेगा 135 करोड़ को 2023 तक। तो ये मुद्दा जो है, क्या इस मुद्दे पे आप अगले बार बीजेपी को वोट डालेंगे? हाँ डेफिनेटली, मैं उस टाइम इलेक्ट करूंगा मेरे एरिया के कौन रिप्रेजेंटेटिव है और क्या कर रहा है। ये मुद्दा बन सकता है वोट देने का? हाँ बिल्कुल बनेगा। जिसको घर चाहिए वो डेफिनेटली उसको माइंड में रखेगा जिस समय वोट डालेगा। इस मुद्दे को सुन के? इस मुद्दे को सुन? नहीं नहीं, इस मुद्दे को सुनकर नहीं। आई डोंट थिंक सो। नहीं नहीं, बजट देखा था वैसे? नहीं नहीं। निर्मला सीतारमन को देखा? नहीं। विच गवर्नमेंट इज रूलिंग द कंट्री राइट नाउ? नो आईडिया। विच गवर्नमेंट इज रूलिंग दिल्ली? बीजेपी। एक और नाम लेने वाला हूँ, जो पहली पांच चीजें आपके दिमाग में आती हैं उनका नाम सुन के। राहुल गांधी। कार्टून नेटवर्क। वन अपनी मम्मी के लिए सिरदर्द। ओके, यू नो द प्रेफरेंसेस राइट। और कांग्रेस पार्टी को डुबोने वाला इकलौता इंसान? कांग्रेस। चूतिया। हाँ चूतिया। वन एंड डम डम। ओके एंड अ किड। राहुल गांधी सुनकर आप पांच वो चीजें जो आपके दिमाग में आती हैं जब राहुल गांधी नाम सुनते हैं? एक तो बेकार, दूसरा पप्पू ठीक है, दूसरा अनाड़ी ठीक है। निर्मला सीतारमन। Someone who has been appointed but has no idea about it. She can speak well. She should have been an conversation teacher in the school. Ended up being the finance minister. The entire BJP fraternity should have been this only. If not Narendra Modi, then who? If not Narendra Modi, then who? Shashi Tharoor could have been a good person. So if not BJP, then Congress? No, not Congress. The point is, you should never stick to a party. You should always stick to leaders. As a party, if not BJP, then who? As a party, I guess
सीइंग द स्टेट कंडीशन ऑफ दिल्ली आई गेस आम आदमी पार्टी हैज़ बीन डूइंग वेल। हमेशा जब जब कॉर्पोरेट घुसा है तो उस फील्ड को उठाया, फिर चाहे वो एयर इंडिया ही क्यों ना हो जो एक टाइम पे डेड थी, उसको जब प्राइवेटाइज किया गया तब उसकी अपलिफ्टमेंट हुई। तो ऐसे ही एग्रीकल्चर की भी अपलिफ्टमेंट तभी हो पाएगी ना जब प्राइवेटाइजेशन होगा, जो सरकार ने किया। हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं है, हम कहते हैं गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए, ये नहीं कि गवर्नमेंट आधारों को बेच दिया जाए। किसी भी सरकार को ये अधिकार नहीं है कि सरकारी जो संस्थाएं या सरकारी इंस्टीट्यूट हैं उनको पूरी तरह से बेच दिया जाए। बिकॉज लाइक द रिजल्ट शी हैज़ डिलीवर्ड आर नॉट इन द फेवर ऑफ द नेशन, सो वी डेफिनेटली वी आर अ नेशन ऑफ 130 करोड़ स्ट्रॉन्ग पीपल एंड वी विल फाइंड एन अल्टरनेटिव फॉर श्योर। ओके, कल सरकार ने पेट्रोल में सिस टैक्स लगाया है, 2.5 रुपये का पेट्रोल 4 रुपये का डीजल में। ये सिस टैक्स जो है ये डायरेक्ट किसानों के लिए जा रहा है, मतलब हम देंगे और वो किसानों पे जाएगा। प्लस सरकार ने इसी में पेट्रोल और डीजल में अपनी जो एक्साइज ड्यूटी थी उसे कम कर दिया, यानी सरकार की जो कमाई थी उसे कम करके अब किसानों की ओर जाएगी वो कमाई, उसके 4 रुपये हर बार जब आप पेट्रोल डलवाएंगे। तो आपको क्या लगता है ये किसानों के लिए अच्छी चीज़ नहीं है? देखिए, ऐसे सैकड़ों सेस हम देते हैं जिसका हमें पता ही नहीं है कि वो पैसा कहाँ जाता है। हम कई तरह के सेस देते हैं, मैं सिर्फ ये कल के सेस की बात नहीं कर रहा हूँ, आप मल्टीपल सेस है। हम इनकम टैक्स देते हैं, उसमें भी सेस लगता है, अलग अलग चीज़ों में सेस लगता है। सरकार ने कभी कोई आंकड़ा जारी किया कि हम उस सेस का कहाँ यूज़ किए? देश के अंदर भ्रष्टाचार सीमा पर है, ये बात हम डिनाई नहीं कर सकते। इस सारी जो ईमानदारी है इसको एक सिस्टम बांधता है, एक मैकेनिज्म बांधता है। गवर्नमेंट को एक मैकेनिज्म क्रिएट करने की ज़रूरत है जिसके अंदर अगर एक आम आदमी के साथ कोई अन्याय होता है तो जब तक उसका पॉलिटिकल नहीं बीच में होता तो उनको न्याय नहीं मिलता। न्याय उसको मिलना चाहिए बिना आम से आम आदमी को, बिना किसी अप्रोच के, बिना किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के। पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है।